कह सकते हैं आने वाले टाइम में तांडव मचा सकता है, बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। जान लेते हैं हमारे अगस्त महीने की परफॉर्मेंस। अगस्त में हमने 3 स्टॉक सजेस्ट किए थे मंथ के लिए और उन तीनों ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। किसी ने 27%, 29% और 14%, ओवरऑल देखें तो 24% के रिटर्न मिले हैं। अगर आपने तीनों स्टॉक में 10-10 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट किए होते, टोटल 30,000 का इन्वेस्ट किया होता, तो वो 37,000 हो जाता। हमारा सेप्टेम्बर मंथ का पहला शेयर है अदानी गैस। अदानी गैस को बाय करना है 186 के लेवल पे। इसका SL रहेगा 169 और इसके टारगेट रहेंगे 205, 225, 250। अदानी गैस एक गैस की कंपनी है जो नेचुरल गैस और CNG को प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ घरों में बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया में और रेस्टोरेंट और साथ साथ गाड़ियों में भी ये सप्लाई करता है। ये जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसने बनाया हुआ है वो अहमदाबाद और वडोदरा में पूरा फैला चुका है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जो घर में गैस मिले वो पाइपलाइन के थ्रू ही मिले। यह है अदानी गैस का चार्ट और देख लेते हैं इसे सिंप्लीफाइड वे में। ये सिंपल प्राइस एक्शन का चार्ट है और देख सकते हैं काफी अच्छी मूव आई है अभी हाल फिलहाल के दिनों में, बहुत ही शानदार मूव इसने दी है। उसके बाद में ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक ब्रेकआउट हुआ है और अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप और RSI भी काफी फेवरेबल है इसमें। जिस तरह से गैस को उड़ने में टाइम नहीं लगता उसी तरह से ये शेयर भी आसमान की बुलंदियों को आसानी से छू सकता है। कह सकते हैं आने वाले टाइम में तांडव मचा सकता है, बहुत ही स्पीड से ऊपर जा सकता है। सेप्टेम्बर मंथ के लिए हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड। पॉलीमेडिक्योर लिमिटेड 424 पे चल रहा है। इसका SL रहेगा 383 और इसके टारगेट रहेंगे 466, 492, 513। ये हर फील्ड में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है जैसे कि ऑन्कोलॉजी, रेस्पिरेटरी केयर। कह सकते हैं कि कोरोना की जो स्पेशल मार है वो इसी पे पड़ी है। कोरोना के कारण कह सकते हैं इस क्षेत्र में एक क्रांति आ चुकी है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ये कर रही है कंपनी, देख सकते हैं काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्डअप इसमें हो चुका है। जैसे जैसे मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है उस तरह से वॉल्यूम बिल्डअप इसमें काफी हो चुका है। ये स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, बहुत ही स्पीड से ये ऊपर जाएगा। इसमें जो मूव आएगी आने वाले समय में कह सकते हैं वो जादुई स्पीड से इसे ऊपर लेके जा सकता है। इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। अभी जिस लेवल पे ये खड़ा है वो बहुत ही शानदार लेवल है। हमारा तीसरा स्टॉक है रैलिस इंडिया लिमिटेड। रैलिस इंडिया लिमिटेड को बाय करना है 314 के लेवल पे। इसका SL रहेगा 384 और इसके टारगेट रहेंगे 345, 368 एंड 392। यह एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है रैलिस इंडिया का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी कंसोलिडेशन के बाद में इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और इसमें जो मूवमेंट आ रही है बहुत ही शानदार मूवमेंट आ रही है। कहीं पे भी इसमें वीकनेस के साइन नहीं है। ये देख सकते हैं किस तरह से ये मूव कर रहा है। ये स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये बहुत ही स्पीड से ऊपर जाने की क्षमता रखता है। जिस तरह से भारत की किसानों की आय बढ़ने वाली है उसी हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स भी डेवलप हो रहे हैं। ये स्टॉक आने वाले टाइम में सीधी चढ़ाई कर सकता है, इसे जरूर बाय करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार लेवल पे खड़ा है। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।